जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना स्कीम, उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए इसको कैसे, ये लॉन्च कब की, ये लॉन्च हुआ, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और कितना रुपया इसको पेंशन अकाउंट में बाद में कितना पेंशन मिलेगा, ये सब हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू एक्सटेंड पेंशन बेनिफिट्स टू द वर्किंग पुअर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अटल पेंशन स्कीम के बारे में ये हम जानते हैं कि अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च इन 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब अटल पेंशन योजना कब से शुरू हुआ? 2015 में अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कहां से हुआ? वित्त मंत्रालय ने इसको शुरू किया अटल पेंशन योजना कब? 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू एक्सटेंड पेंशन बेनिफिट टू द वर्किंग पुअर फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सेक्टर। पेंशन देने के लिए किसको? वर्किंग पुअर, जो गरीब लोग है उसको पेंशन देने के लिए, जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे मजदूर, जन मजदूर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस समय काम करते हैं, तो उनको पेंशन का बेनिफिट देने के लिए 2015 में वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। तो देखिए टू एक्सटेंड पेंशन बेनिफिट टू द वर्किंग पुअर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इट इज मैनेज बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब मैनेज कौन करता है? तो इसको मैनेज करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है। तो इसको क्या कहते हैं? पीएफआरएआई, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है। ऑब्जेक्टिव, अब इसका उद्देश्य क्या? ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव, द स्कीम गोल इज टू इंश्योर दैट नो इंडियन सिटीजन, ध्यान से देखिए, द स्कीम गोल इज टू इंश्योर दैट नो इंडियन सिटीजन हैज टू वरी अबाउट इलनेस, एक्सीडेंट और डिजीज इन ओल्ड एज, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना, पैदा करना ओल्ड में, खास करके 60 साल के बाद, तो है ना, ये लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए कि उनको कभी कोई बीमारी हो जाए या डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए या किसी तरह का, ओल्ड एज में जो ओल्ड एज में जब आदमी जाता है तो उसको काफ़ी परेशानी होती है, आर्थिक या शारीरिक तौर पर कुछ परेशानी होती है, तो उससे बचने के लिए कुछ उसको आर्थिक मदद चाहिए, तो उसी के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ था। तो देखिए द स्कीम गोल इज टू इंश्योर दैट नो इंडियन सिटीजन हैज टू वरी अबाउट इलनेस, बीमारी में, इन ओल्ड एज में 60 साल के बाद बीमारी में, एक्सीडेंट, कभी एक्सीडेंट हो जाए, अब कभी दुर्घटना हो जाए या बीमार हो जाए, डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए, इन ओल्ड एज, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कुछ तो उसको आर्थिक मदद मिलेगा जिससे उसको बीमारी में, एक्सीडेंट में या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ओल्ड एज में उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पेंशन मिले, वृद्धावस्था 60 साल के बाद पेंशन मिले। तो ये है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सब में जो जिनको पेंशन नहीं मिलता तो उनके लिए ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अटल पेंशन योजना। एलिजिबिलिटी, अब इसमें पेंशन योजना के लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन आदमी एलिजिबल है, तो उसके बारे में ये कहा गया है। एलिजिबिलिटी, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ये अटल पेंशन योजना का बेनिफिट कौन उठा सकता है? जो भारत सरकार, भारत का नागरिक हो, जो भारत देश का नागरिक होगा वही उसी को अटल पेंशन योजना मिल सकता है, सबसे बड़ा इसमें क्राइटेरिया है। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 18 से 40, और उसका एज कितना होना चाहिए? 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, यानी कि कोई अगर अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक में जाएगा तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? 18 से 40 साल, तो ये इसके बीच में उम्र रहेगा तभी वो पेंशन का बेनिफिट, है ना, के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 18 से 40, मस्ट हैव ए वैलिड मोबाइल नंबर, उसके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो अटल पेंशन योजना का बेनिफिट किसको मिलेगा? जो 18 से 40 वर्ष की उम्र का हो, भारत का नागरिक हो और उसके पास मोबाइल नंबर, आधार नंबर भी होना चाहिए। मस्ट बी ए वैलिड मोबाइल नंबर, मस्ट हैव सेविंग बैंक अकाउंट लिंक विद आधार, और उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट भी होना चाहिए।
तो अटल पेंशन योजना का जो बेनिफिट उठाएगा उसके लिए एक बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी। तो ये उसका क्या होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं में कहीं भी, और वो आधार से लिंक हो। तो वो ये सब चीज होना चाहिए। फीचर्स, अब फीचर्स देखिए, फीचर इट ऑफर्स एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग ए फिक्स्ड पेंशन ऑफ। अब देखिए क्या होगा, मान लें कि आप जो अटल पेंशन हो में पैसा जमा करेगा, तो फिर जब पैसा जमा करेगा तो फिर 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगा ना। तो पेंशन के देखिए उसके बारे में चर्चा हो रहा है, कितना रुपया पेंशन मिलेगा। फीचर इट ऑफर एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग ए फिक्स पेंशन ऑफ 1000। अब इसमें है ना बहुत सारा है, आपको अगर इसमें अटल पेंशन योजना में अगर आप चाहते हैं कि हमको 1000 60 साल के बाद 1000 रुपया मिले, तो उसके लिए भी कुछ है क्राइटेरिया। 2000 मिले उसके लिए क्राइटेरिया है, 3000 के लिए। यानी कि आप हर महीने जो अटल पेंशन योजना में कुछ पैसा जमा कीजिएगा, तो है ना, सो मान लीजिए उसमें है कि कम पैसा में 1000 रुपया मिलेगा, फिर उससे ज़्यादा बढ़िएगा तो 2000 पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद, फिर आगे बढ़िएगा और पैसा हर महीने जमा कीजिएगा तो 3000 4000 इस तरह 5000 रुपया पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल सकता है। तो यही कहा गया है, इट ऑफर्स एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग ए फिक्स पेंशन ऑफ 1000 2000 3000 4000 5000 ऑन अटेंडिंग एन एज ऑफ 60। तो आप है ना जब ये अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करिएगा, तो उसमें होता है ना कि हर महीने पेंशन पैसा आपका आपको कुछ जमा करना होगा, फिर वही पैसा बाद में 60 साल के बाद आपको मिलेगा पेंशन के रूप में। तो उसमें अगर मान लीजिए इतना रुपया जमा कीजिएगा तो आपको 60 साल के बाद 1000 मिलेगा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जमा कीजिएगा तो 2000 मिलेगा, फिर उससे ज़्यादा जमा कीजिएगा तो 60 साल के बाद 3000 इसी तरह 4000 5000 रुपया मिलेगा। यानी कि आप जिस हिसाब से आपका पैसा उसमें हर महीने जमा होगा अटल पेंशन योजना में, तो उसी हिसाब से 60 साल के बाद आपको 1000 से लेकर 5000 के बीच में आपको पेंशन हर महीने मिलेगा। तो वही कहा गया है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय वर्किंग विथ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट प्रोवाइड देम पेंशन बेनिफिट कैन ऑल्सो अप्लाई। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको पेंशन बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो वो लोग भी है ना सो इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला वर्कर हुआ, या प्राइवेट फार्म में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है जिसको उसको फार्म है ना सो पेंशन बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो वो सब इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इससे है ना सो 1000 से 5000 रुपया उसको पेंशन मिलेगा 60000 ये 60 वर्ष पूर्णने के बाद। तो यही इसमें कहा गया अटल पेंशन योजना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है विल कंट्रीब्यूट, तो ये केंद्र सरकार विल कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल ईयरली कंट्रीब्यूशन और RS 1000 पर एनम whichever is lower for 5 years who join the scheme up to 31 December 2015 and are not a member of any statutory scheme and not an income taxpayer। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट ओनली 50% ऑफ द टोटल ईयरली कंट्रीब्यूशन। माने कि जो है ना सो अटल पेंशन योजना में अपना है ना सो खाता खुलवाता है स्कीम में, तो जितना साल में पैसा जमा करता है उसका 50% क्या होगा केंद्र सरकार है ना उसमें जमा करवाएगी, और नहीं तो और इसके अलावा क्या है और 1000 रुपया सालाना उसमें जमा करवाएगी आरएस 1000 सालाना जमा करवाएगी पर एनम विच एवर इज लोअर। यानी कि जितना है ना बेनिफिशरी जो है ना हर महीने साल में जितना रुपया जो जमा करता है अटल पेंशन योजना में, केंद्र सरकार उसके खाते में 50% देगी, नहीं तो 1000 रुपया सालाना देगी जो लोअर होगा कम होगा हो ज्वाइन द स्कीम। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल ईयरली कंट्रीब्यूशन ऑफ और RS 1000 पर एनम विच एवर इज लोअर फॉर 5 years हु ज्वाइन द स्कीम अप टू 31 December 2015 एंड आर नॉट ए मेंबर ऑफ एनी स्टैचुरी स्कीम। स्टैचुरी स्कीम यानी कि इस तरह का कोई स्कीम है उसका कोई उसको मेंबर नहीं है तभी ये मिलेगा, एंड आर नॉट एन इनकम टैक्स पेयर, अगर इनकम टैक्स पेयर है तब ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी इसी तरह का कोई केंद्र सरकार का योजना है उसमें फिर बेनिफिट ले रहा है पेंशन का तब नहीं मिलेगा, और इनकम टैक्स पेयर है तभी ये नहीं मिलेगा। अच्छा डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, डिफॉल्ट पैसा नहीं जमा किया अटल पेंशन खाता खुलवा लिया लेकिन पैसा नहीं जमा किया तब क्या होगा, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर 6 months विल लीड टू ए फ्रोजन अकाउंट।
डिफॉल्ट फॉर ऑफ ऑफ पेमेंट फॉर सिक्स मंथ विल लीड टू फ्रोजन अकाउंट, अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर छह महीना तक उसमें पेंशन में उस खाता में पैसा नहीं जमा कर रहा है सब्सक्राइबर, तो उसको क्या होगा, उसका खाता फ्रोजन फ्रीज कर दिया जाएगा। एंड इफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर 12 मंथ द अकाउंट विल बी क्लोज, और छह महीना अगर है ना पैसा नहीं जमा किया खाता धारक अटल पेंशन योजना में तो उसका फ्रीज कर दिया जाएगा, और एक साल नहीं किया तो उसका खाता क्लोज कर दिया जाएगा, क्लोज। एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द सब्सक्राइबर। अब छह महीना नहीं जमा करेगा अटल पेंशन योजना में तो फ्रीज होगा, साल नहीं करेगा तो पूरा क्लोज हो जाएगा, और पैसा बाकी पैसा है ना उस सब्सक्राइबर को जो भी पैसा अभी तक जमा किया है उसको दे दिया जाएगा। तो ये है प्रीमेच्योर एग्जिट फ्रॉम द स्कीम इज नॉट परमिटेड। अब मैंने अटल पेंशन योजना खोल लिया फिर चाहता है उसमें से निकल जाए तो ये परमिशन नहीं है। मान कि आप अगर अटल पेंशन योजना के मेंबर बने खोल गया उसमें से निकलना चाहते हैं तब ये सब पॉसिबल नहीं है। क्या प्रीमेच्योर एग्जिट फ्रॉम द स्कीम इज नॉट परमिटेड, हाउएवर इट इज परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट इज इन द इवेंट ऑफ बेनिफिशियरी डेथ और टर्मिनल डिजीजेस। माने कि और माने कोई अगर अटल पेंशन योजना स्कीम में अपना खाता खुलवा लिया, नाम डलवा लिया, हर महीने पैसा जमा कर रहा है, कुछ दिन के बाद बोलेगा कि हम इसमें से निकल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस में ये पॉसिबल है, कब, जब जो खाता धारक है मर गया अगर उसका डेथ हो गया तब, नहीं तो बहुत ही टर्मिनल डिजीज है, एकदम जो मतलब खतरनाक डिजीज है, पैसा नहीं पेट कर पा रहा है, उसके पास है ही नहीं, या है ना उसका मृत्यु हो गया, तब उसको है ना सो उसमें निकल सकता है। नहीं तो ऐसे है ना सो अटल पेंशन योजना में आप है ना खाता खुलवा लिया फिर निकलना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, डेट इज इन द इवेंट ऑफ बेनिफिशियरी डेथ और टर्मिनल डिजीज, एज पर द अवेलेबल मंथली पेंशन अमाउंट, एज पर द अवेलेबल मंथली पेंशन अमाउंट सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट टू डिक्रीज और इंक्रीज पेंशन अमाउंट ड्यूरिंग द एक्युमुलेशन फेज। अब मान लें कि कोई है ना सो कम पैसा जमा कर रहा है तो कम पैसा वाला को, सबसे कम पैसा वाला को 60 साल के बाद 1000 रुपया मिलेगा, फिर है ना कोई अगर है ना उससे ज़्यादा कर रहा है तो फिर 60 साल के बाद किसी को 2000, जैसा पैसा जमा करेगा उसको 1000 से 5000 के बीच में मिलेगा। अब कोई है ना कम पैसा जमा कर रहा है 1000 रुपया वाला चाह रहा है कि 60 साल के बाद 1000 रुपया मिले, लेकिन चाह रहा कि अब हम ज़्यादा पैसा जमा करें जिससे हमको 3000-4000 60 साल के बाद पेंशन मिले, तो उसके लिए भी वो कर सकता है, उसके लिए भी है ना उसके लिए इंतजाम है। तो इसमें क्या कहा जाता है, एज पर द अवेलेबल मंथली, एज पर द अवेलेबल मंथली पेंशन अमाउंट सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट टू डिक्रीज और इंक्रीज। वो अपना रकम है ना जिस पैसा खाता में जमा करता है उसको कम या बेसी कर सकता है, वो अटल पेंशन योजना में जो पैसा मंथली जमा कर रहा है उसको कम या बेसी कर सकता है। ऑफ टू डिक्रीज और इंक्रीज पेंशन अमाउंट ड्यूरिंग द एक्युमुलेशन फेज, हाउ अबाउट द ऑप्शन टू स्विच इज ओनली प्रोवाइडेड वंस इन ए ईयर। माने कि अगर माने कि वो चाहता है कि हम अब ज़्यादा पैसा जमा करें तो कर सकता है, या फिर चाहे कि कम पैसा जमा करें तो भी कर सकता है, लेकिन इस सब का ऑप्शन सिर्फ साल में एक बार ही मिलेगा, बार बार आप है ना कम बेस नहीं कर सकते, साल में एक ही बार आपको मिलेगा कि आप उसमें है ना सो हम चाहे तो एक बार थोड़ा ज़्यादा कर ले तो ठीक है, एक ही बार आपको मौका मिलेगा कि आप ज़्यादा करिए, नहीं तो फिर फैसला कीजिए एक ही बार, नहीं कि आज फिर साल में चार बार फैसला कर रहे हैं कि कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो ये सब नहीं हुआ था। ये सब है अटल पेंशन योजना का।